श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि अधिक मास में कितने मालपुए दान किए जाते हैं? तो अधिक मास की कथा में वर्णित है कि 33 मालपुए दान किए जाते हैं। तो 33 मालपुए ही क्यों दान की जाती हैं? 31 का दो, 32 का दो, 33 मालपुए ही क्यों? मालपुए की जगह रसगुल्ला, जलेबी दान क्यों नहीं किया जाता? पर अधिक मास में मालपुए ही क्यों दान किए जाते हैं? तो अधिक मास में वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान किए जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने ही नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं, इसलिए मालपुए दान किए जाते हैं। और 33 ही क्यों? वो 30 दिन के 3 मालपुए, 31वें नंबर का मालपुआ इसलिए दान किया जाता है कि यदि हमने बेटी के घर का अन्न खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान किया जाता है। 32वें नंबर का मालपुआ इसलिए दान किया जाता है कि यदि हमने ब्राह्मण या गुरु के घर का यदि कुछ खा लिया हो तो उसका दोष हमें ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ दान किया जाता है। और 33वें नंबर का मालपुआ इसलिए दान किया जाता है यदि हमने किसी के घर में सूतक में या सावण में खा लिया हो। सूतक यानी किसी के यहाँ कोई मर गया हो, तब यदि उसके यहाँ का अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं 13वीं याद में, वो सूतक अन्न होता है। सावण वो होता है यदि किसी के यहाँ बच्चे ने जन्म लिया हो तब उसके यहाँ का घर का अन्न खा लिया हो, वो सावण अन्न होता है। तो हमने सूतक या सावण में अन्न खा लिया हो तो हमें उसका दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ दान किया जाता है। तो ये 33 मालपुए इसलिए दान किए जाते हैं कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज नरक में ना पड़े, क्योंकि मालपुए का दान करने से हमारे पूर्वज तर जाते हैं। हर हर महादेव।